आप सबको मेरे YouTube कुकिंग चैनल में स्वागत है। मैं सुमन चटर्जी आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक डिश बना के दिखाने जा रही हूँ, जो है आलू बैंगन की भेज भुजिया। तो आइए गाइस, मैं आपको आलू बैंगन की भेज भुजिया बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये 200 ग्राम बैंगन है और ये है 3 आलू, जो मैंने अच्छी तरह से इसको पीसों में काट के रखा है। उसको मैं इसमें दूंगी मैं इंग्रेडिएंट, जो बता देती हूँ। धनिया है, धनिया बारीक कटी हुई, हल्दी है, नमक है, जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, एक आधी नींबू है, हींग है, 2 हरी मिर्च है और ब्लैक पेपर है। मैं भेज रेसिपी भुजिया बनाऊंगी, बैंगन की भुजिया बनाऊंगी। तो आइए गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल दूंगी, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। देखिए तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी कलौंजी दीजिएगा, गर्म हो गई। उसके बाद 1 हरी मिर्च दीजिएगा। देने के बाद आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। देखिए आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब बैंगन को भी थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। देखिए बैंगन भी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें थोड़ी सी हींग दूंगी और उसके बाद ये जो मसाला है, सब मसाला इसमें मैं दे दूंगी। देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और 2-3 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। देखिए इसमें मैंने एकदम पानी नहीं दिया है, एकदम सूखी बन रही है। तो गाइस देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, और 2-3 मिनट में पकाऊंगी, उसके बाद ये सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही डिलीशियस, एक बहुत ही अच्छी भेज रेसिपी है। देखिए आलू बैंगन की ये भुजी फ्राई बन के अब तैयार है। इसमें थोड़ी सी पहले तो मैं धनिया दे दूँगी, देने के बाद इसको बिल्कुल मिक्स कर लूँगी और ये आपकी आलू बैंगन की भुजी बनके अब तैयार है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, आलू बैंगन की भुजी बनके अब तैयार है। ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी धनिया दे दीजिएगा और उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी ये नींबू, इसको थोड़ा निचोड़ के दे दीजिएगा। तो गाइस देखिए, बहुत ही अच्छी एक रेसिपी भेज रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।